सीएम योगी का गोरखपुर कुशीनगर दौरा आज। प्रधानमंत्री मोदी के 20 अक्टूबर के प्रस्तावित कुशीनगर दौरे से पहले सीएम लेंगे तैयारियों का जायजा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की आज अंतिम अरदास। अंतिम अरदास के बाद निकलेगी कलश यात्रा। अंतिम अरदास में 30,000 से ज्यादा किसानों के आने की संभावना। राकेश टिकैत और गुरमान सिंह चढ़ूनी समेत 18 किसान नेता होंगे शामिल। अंतिम अरदास में शामिल होने आए किसानों की व्यवस्था की जिम्मेदारी 2,000 वॉलंटियर पर। प्रशासन का भी दिया गया सहयोग। अंतिम अरदास में किसानों की भीड़ के मद्देनजर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा। लखीमपुर में 10 आईपीएस अफसर किए गए तैनात। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस का फरमान, 18 अक्टूबर तक सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड। आज सुबह 10 बजे आशीष को क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया जाएगा। पुलिस ने मांगी थी आशीष के 14 दिन की रिमांड। आशीष के वकील ने बचाव में दी थी दलील, कहा आशीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में भी लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। यूपी के रण में चाचा भतीजा आमने सामने। सपा अध्यक्ष कानपुर के निकालेंगे विजय रथ यात्रा। मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निकालेगी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। आजमगढ़ में सपा सांसद अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगे। बीजेपी ने सपा सांसद अखिलेश यादव के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे आपके सांसद संजय सिंह, कहा केजरीवाल के मॉडल का उत्तर प्रदेश बनेगा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। आरएलडी को बताया किसानों की फौज। बलिया में बीजेपी नेता केतकी सिंह ने किया कटान क्षेत्र का दौरा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पर जमकर साधा निशाना। प्रतापगढ़ में अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित किया गया आयुष्मान कार्ड। 125 लाभार्थियों को वितरित किए गए कार्ड। बागपत में स्वास्थ्य आयुष्मान और सम्मान आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और डीएम रहे मौजूद। जालान में आयुष्मान कार्ड धारकों को बांटे गए कार्ड। 900 अंत्योदय कार्ड धारकों को दिए गए आयुष्मान कार्ड। महोबा में पीएम आवास योजना के तहत 247 लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। लॉटरी के माध्यम से हुआ था चयन। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर की बैठक। बैठक में सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बरेली में चौराहे पर पूजा कर रही महिला को कार ने रौंदा। अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने तोड़ा दम। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें हुई कैद। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत। शव को सड़क पर रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में 22 साल के युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस, परिवार को हत्या किया शंका। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पिटाई में केस दर्ज। टेम्पो में किराए के विवाद में पुलिसकर्मी की हुई थी पिटाई। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को युवक ने बीच सड़क पर पीटा। पुलिस को आता देख युवक हुआ फरार। अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में झाड़ू लगाने के विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक शख्स की हुई मौत, दो घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी करने के बाद ऑनलाइन बेच सकते थे मोबाइल। बिजनौर में व्यापारी के साथ हुई लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कैश और लैपटॉप बरामद। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, कई दिनों से मानसिक तनाव में था युवक। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद में साहिबाबाद के अर्थला इलाके में चोरी की वारदात। कैश और लाखों रुपए के सामान की हुई चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। कानपुर में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। बिना मास्क घूमते लोगों का पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने चालान काटने का दिया आदेश।
फिरोजाबाद में योगी सरकार ने राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव नजदीक आते ही राहुल और प्रियंका को याद आया यूपी। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में शख्स ने मां बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर मौत की घाट उतारा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य मंत्री को अब तक पीएम ने क्यों नहीं किया बर्खास्त। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, डेंगू और वायरल बुखार पीड़ितों का सड़क पर हो रहा इलाज, मामले में सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। मथुरा में आपसी विवाद को लेकर निजी फैक्ट्री में तैनात गार्ड ने दूसरे गार्ड को गोली मारकर मौत के घाट उतारा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपी गार्ड गिरफ्तार। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में रामलीला आयोजन में डांस का वीडियो वायरल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 49 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, 14 जोड़ों का निकाह भी कराया गया। अमेठी के कमरौली थाना इलाके में तेज रफ्तार दो ट्रक आपस में भिड़े, हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत। देवरिया में सामुदायिक शौचालय योजना बंदरबाट का हुआ शिकार, सिर्फ शौचालय का भवन बना है अंदर कुछ भी नहीं, डीएम ने मामले में दिए जांच के आदेश। कन्नौज में बंद मकान से चोरों ने की लाखों की चोरी, मकान मालिक के वापस लौटने पर घटना का पता चला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, युवक पर फेक आईडी बनाकर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में शख्स ने गोमती नदी में लगाई छलांग, पत्नी से हुए झगड़े के बाद नदी में कूदा शख्स। गोरखपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 50 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में डीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में डॉक्टर्स थे अनुपस्थित, नोटिस हुआ जारी। आगरा में अवैध सब्जी मंडी पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, सिटी मजिस्ट्रेट ने मंडी को करवाया बंद, मंडी लगाने वालों को दी चेतावनी। गाजियाबाद में कब्रिस्तान पर हुई अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बंजारों के अवैध मकानों को तोड़ते हुए खाली करवाई समेत। आगरा के प्राथमिक स्कूल के सामने जलभराव, कीचड़ और पानी पार कर बच्चे जाते हैं स्कूल, प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। आगरा में लैंड पार्सल घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 19 दिनों से किसानों का धरना जारी, किसानों को मनाने अस्पताल पहुंचे अधिकारी। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा, 300 छात्रों को फेल करने पर किया प्रदर्शन। बांदा में डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल, इलाज के साथ साथ मरीज को ब्लड डोनेट कर बचाई जान। बलिया में जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पार्टियों के नेताओं और जनता ने जेपी के गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। सहारनपुर न्यायालय में भी होगी ई सेवा केंद्र की सुविधा, हाईकोर्ट ने सीजी ने किया शुभारंभ। गोरखपुर में कोविड वैक्सीनेशन की 30 मोबाइल वैन को दिखाई गई हरी झंडी, डीएम ने वैन को किया रवाना। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के महाकाली परिसर में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, आग पर पाया गया काबू, नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। धामी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी, विभागों के कई विकास कार्यों पर भी लग सकती है मोहर। उत्तरकाशी के डूंडा गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क, अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण। उत्तरकाशी में अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण की मांग को लेकर धरना, लोक निर्माण विभाग बड़कोट में पंजीकृत ठेकेदारों ने दिया धरना। टीरी में त्योहारों के सीजन को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन, दुकानों और गाड़ियों की होगी सख्त चेकिंग, मिलावटखोरों पर रखी जाएगी नजर। अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने किया अन्न महोत्सव का विरोध, आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में देर रात सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के 3 आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों के एक घर में छिपे होने की मिली थी सूचना। एनकाउंटर से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सरेंडर करने की अपील भी की थी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कोयले की कमी से जूझ रहे देश के कई पावर प्लांट्स, 135 में से 115 पावर प्लांट्स के पास आई मुसीबत, 17 पावर प्लांट्स के पास एक दिन का भी स्टॉक नहीं, 26 के पास सिर्फ एक दिन का ही स्टॉक।
देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान, अब तक 95 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने की दिशा में बढ़ रहा है देश, सोमवार को 65 लाख लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। आज G20 की वर्चुअल समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल, अफगानिस्तान के ताजा हालात पर होगी चर्चा। G20 की वर्चुअल समिट आज 4:30 बजे, अफगानिस्तान के लिए सेवाओं की आपूर्ति, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे विषयों पर चर्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आज 28वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा पूरा कार्यक्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जाएंगे, केजरीवाल कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राजनीतिक जमीन तलाशने आज 5वीं बार पंजाब जा रहे हैं केजरीवाल, मां के दरबार में टेकेंगे मत्था। राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के मामले में आज सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्या मामले में आज सुनाई जाएगी सजा, पंचकुला में धारा 144 लागू। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत राम रहीम सहित 5 आरोपियों को सुनाएगी सजा, राम रहीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश। 2020 की दिल्ली हिंसा मामले में करकटुमा कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार। आरन खान की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई, एनसीबी अपना जवाब करेगी दाखिल। ड्रग्स केस में मामले में इम्तियाज खत्री को एनसीबी का समन, पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का सनसनीखेज आरोप, अपनी जासूसी का लगाया आरोप, महाराष्ट्र के डीजीपी से समीर वानखेड़े ने की शिकायत। शिकायत के साथ समीर वानखेड़े ने एक सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा, जिसमें सादी ड्रेस में कुछ लोग उनका पीछा करते दिख रहे हैं। भारत में अडानी के सभी पोर्ट पर पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान से आया सामान बैन, 15 नवंबर से लागू होगा फैसला। इकोनॉमिक ग्रोथ को सितंबर में भी मिला एग्री सेक्टर का सपोर्ट, अप्रैल से जुलाई तक एफडीआई में आया सालाना 62% का उछाल। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को जारी किया राजस्व घाटा अनुदान, 9,871 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान जारी। अमेरिकी दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्ल्ड बैंक का आईएमएफ के साथ साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। लद्दाख में तनाव के बीच चीन की गीदड़ भपकी, ग्लोबल टाइम में लिखा अगर युद्ध हुआ तो करना पड़ेगा हार का सामना। भारत चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता भी रही बेनतीजा, पूर्वी लद्दाख से चीन ने सैनिकों की वापसी से किया इनकार। अफगानिस्तान को मिलेगा अमेरिका की मानवीय सहायता, तालिबान को मान्यता से अमेरिका का इनकार। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बड़ा कबूलनामा, भारत ने किया था बालाकोट में एयर स्ट्राइक, भारत ने पुलवामा हमले का लिया था बदला। रोमांचक जीत के साथ क्वालिफायर 2 में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स, हार के साथ खत्म हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर। आरसीबी ने 138 रन बनाए, 139 रनों के टारगेट को केकेआर ने आखिरी ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। आरसीबी केआर के साथ खत्म हुआ कैप्टन कोहली का सफर, आरसीबी को ट्रॉफी दिलाने का कोहली का सपना टूटा। आयरलैंड की एमी हंटर वनडे में शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी, मिताली राज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पाकिस्तान के क्रिकेटर पीएम इमरान का दर्द बोले, इंग्लैंड ने जो हमारे साथ किया दुनिया का कोई देश वो भारत के साथ नहीं कर सकता। मलाइका अरोड़ा ने लाल लहंगे में खूबसूरत फोटो शूट करवाया, मलाइका की अदाओं के फैंस हुए दीवाने। दिशा पाटी ने फोटोशूट करते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो में दिखा ग्लैमरस अंदाज में जलवा। उर्वशी रौतेला ने डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए उर्वशी के डांस के दीवाने। नेहा कक्कड़ का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में नेहा रोहन प्रीत के गाने को गुनगुनाते हुए आ रही है नजर। रितेश देशमुख ने चेनेलिया के साथ नया वीडियो किया शेयर, वीडियो में रितेश चेनेलिया के साथ रोमांटिक अंदाज में आ रही है नजर। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, हिमेश की सिंगिंग का टशन फैंस को आया पसंद।